जब किसी विशेष परिस्थिति में फंस जाओ, जब आपको लगे कि ऐसी विषम परिस्थिति में हम फंसे हुए हैं, भगवान कोई रास्ता निकालिए, तो वैसाख के महीने में एक काम करना, 5 बेलपत्र लेना। अगर कोई विषम परिस्थिति में फंसे हो, निर्णय नहीं मिल रहा, मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहा और ऐसा लग रहा है कि हमारा ये कार्य होना चाहिए, पर किस निर्णय पर जाऊं? ये वाली जॉब करूं, ये वाली जॉब करूं, ये वाला मकान खरीदूं, ये वाला खरीदूं, बेटी को पढ़ने भेजूं ना भेजूं, बेटे को वहां भेजूं ना भेजूं, बेटे का संबंध यहां करूं ना करूं, बेटी का संबंध वहां करूं यहां करूं। जब कहीं विषम परिस्थिति में फंस जाओ, कोई निर्णय नहीं निकल रहा हो, कोई निर्णय तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो, तो 5 बेलपत्री और 5ों बेलपत्री की जो नीचे की जो डूट होती है, यहाँ का जो भाग होता है, जो डंडी होती है, इस डंडी पर इत्र लगाओ, 5ों डंडी पर, जितनी भी 5 बेलपत्री की 5ों डंडी पर इत्र लगाकर एक एक बेलपत्र बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भगवान शंकर की पंचायत का नाम लेकर गणेश, विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य, इनका स्मरण करकर अपना हाथ उस बेलपत्र पर रखकर भगवान से प्रार्थना करो कि अब मेरा निर्णय आपको सौंप दिया गया है, आपको जो निर्णय करना है 24 घंटे के अंदर मेरे हृदय से वो निर्णय आप करा देना और सतमार्ग पर पहुंचा देना। निर्णय पक्का। जब कोई परिवार में निर्णय नहीं हो पा रहा हो, कोई विषम परिस्थिति में फंस गए हो, निर्णय होना जरूरी है। शिव की पंचायत में और सूर्य नारायण भगवान 5 पंचायत के देव हैं। तुम्हारी कोई विशेष समस्या है, कोई नहीं सुलझा रहा, अदालत तक में केस चल रहा है, तकलीफ बढ़ रही है, कहीं राह नहीं मिल रही, कोई सूझ नहीं रही रहा, तब 5 बेलपत्र लेकर 1 लोटा जल लेकर शिव मंदिर चले जाओ, शंकर के ऊपर एक एक बेलपत्र, एक एक पंचायत के सदस्य का नाम लेकर चढ़ाओ, 1 लोटा जल बाद में शिव को समर्पित कर दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, और कह दो कि अब ये सब तुम्हें सुलझाना है, मन से कहना, दिखावे से नहीं, दिल से कहना, मेरे बाबा को सुलझा देगा। 3 महीने भी नहीं लगेंगे, 15 दिन में सुलझा कर लगे। पत्रिका खोलते हैं पंडित जी और कह देते हैं कि काल सर्प दोष है, पत्रिका खोलते हैं और कह देते हैं पितृ दोष है, उनसे मेरा निवेदन है जिसकी पत्रिका में काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, उनसे निवेदन करूंगा, यदि काल सर्प दोष है और आप त्र्यंबकेश्वर जाकर पूजन नहीं करा सकते काल सर्प दोष की, तो एक तांबे के कलश में शक्कर भर लो, उस पे चांदी के 2 नाग नागिन रख लो, रविवार के दिन सिर के पास में जिस घर में सोते हो, पलंग पर सोते हो, उस पलंग के थोड़ी सी दूर पर उस कलश को रख लो, सोमवार को स्नान करो, सुबह जल्दी उठकर 2 नाग नागिन की पूजन करो, घर में किसी से ज्यादा बात ना करो, स्नान कर कर पूजन कर कर थोड़ा सा कटोरी में कच्चा दूध लेकर उस नाग नागिन पर चढ़ाकर पूजन कर कर सफेद फूल 2 चढ़ाकर उस कलश को ले जाओ और शंकर जी के शिवलिंग पर ऐसे अर्पण कर दो, कलश वापिस ले आओ, नाग नागिन शक्कर सब चढ़ा दो, वापिस घर पर आओ, घर पर आकर फिर एक बार स्नान कर। महाराज कितना भी भारी काल सर्प दोष क्यों ना हो, पितृ दोष कैसा भी हो,